गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ यअर सीता मैम अगेन इन फ्रंट ऑफ यूर विद अ न्यू चैप्टर चैप्टर सिक्स लेजर टाइम सो हियर विल स्टार्ट वॉट इज लेज़र टाइम बट लेट मी एक्सप्लेन यू लेज़र टाइम मीन्स द टाइम विच इज स्पेंड फॉर रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट फुर्सत का समय या खाली समय जो हम क्या क्या करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर से सो फन और रिक्रिएशन इज असेंशियल आफ्टर वर्क ओके we need time to relax our bodies and refresh our mind we follow different leisure activities and give that give pleasure and keep us busy fun or recreation recreation matlab रिफ्रेश होना या ताज़ा तर ताज़ महसूस करने के लिए काम के बाद काम करते करते हम थक जाते हैं तो जब हम काम करते करते थक जाते हैं और रिफ्रेश महसूस करना चाहते हैं तर तो ताज़ा महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको रिलैक्स वी नीड टू रिलैक्स एंड आवर बॉडी सबसे पहले होता है कि हमको अपने बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है एंड रिलैक्स रिलैक्स जब होते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है मतलब फ्रेश हो जाता है ओके okay? और फ्रेश होता है तो वो और काम करने के लिए उसकी हिम्मत आती है वी फॉलो डिफरेंट लेजर एक्टिविटीज लेजर टाइम एक्टिविटीज दैट अस प्लेजर एंड अस बिजी तो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए अपने सुकून Uh, में जो आने वाले काम हम करते हैं जिससे हम बिज़ी होते हैं और हमको अच्छा लगता है प्लेज़र मिलता है यानी कि आनंदित महसूस करते हैं तो ऐसे ही कामों को बोलते हैं लेज़र टाइम और फ्री टाइम ओके लेज़र और फ्री टाइम इज़ अ टाइम स्पेंड अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन काम के अलावा जो भी हम करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने रिलैक्सेशन के लिए उसको बोलते हैं लेजर टाइम सो लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ आर नॉट न्यू द एविडेंस फ्रॉम द एक्सकावेशन ऑफ द एशियंट टाउन ऑफ मोजीदारो और हरप्पा टेल एज दैट मैन हैड एन्जॉयड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट इन अर्लियर टाइम्स मैन प्लेड प्लेड विद मार्बल्स बॉल एंड डाइस गेम्स फॉर रिक्रिएशन आप कोई नहीं बोलेगा कि लेजर टाइम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज की हैं ये पुराने ज़माने से चले आ रही हैं आप हर पैण मौजेदारों के नीचे जो खुदाई करने के दौरान कुछ एविडेंसेस मिले हैं एविडेंसेस मतलब प्रूफ मिले हैं और एक्सकावेशन मतलब जब उनकी खुदाई की गई है तो उनमें मिला है कुछ खिलौने मिले हैं कुछ एक्टिविटीज़ जिनको देखकर ऐसे ऐसा लगता था कि खाली समय पे वहाँ के लोग इन सब एक्टिविटीज़ को करते थे क्या क्या मिले हैं अगर हम मैं बात करूँ तो वैसे जैसे मार्बल्स मार्बल्स मतलब बेटा वो बाटी ओके okay, बॉल मिला है ओके okay, और क्या मिला है डाइस गेम मिले हैं जैसे ये पता चलता है कि उस ज़माने में पुराने ज़माने में भी लोग अपने एन्जॉयमेंट के लिए रिलैक्सेशन के लिए भी गेम्स खेलते थे ओके ना कमिंग मूविंग फॉरवर्ड लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ आर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तो ये दो प्रकार की होती हैं फर्स्ट है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ वन टाइप एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न एक्टिविटीज़ ओके ट्रेडिशनल एक्टिविटीज टाइम ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉलोड इन इंडिया व डांसिंग विजिटिंग फेयर्स दैन पार्ट पेंटिंग म्यूजिक मार्शल आर्ट हंटिंग स्विमिंग चैरिट रेसिंग एंड रेसलिंग आर वेरी पॉपुलर वेरी वेरी पॉपुलर ये पुराने जमाने में क्या क्या गेम्स होते थे इंडिया में डांसिंग होता था विजिटिंग फेयर मतलब मेला जाना बहुत मतलब लोग मेला बहुत जाते थे एंड पेंटिंग um, होती थी म्यूज़िक होती थी मार्शल आर्ट मतलब जैसे तलवार चलाना भाला चलाना और मलखम करना ये मार्शल आर्ट्स में आते हैं कुश्ती लड़ना ओके okay? हंटिंग मतलब शिकार करना स्विमिंग चैरिट रेसिंग मतलब बेटा उस ज, उस ज़माने में राजाओं के पास कार तो थी नहीं तो उनके पास क्या होते थे बड़े बड़े विशाल रथ होते थे एक एक रथ में छः छः घोड़े या बारह बारह घोड़े या चौबीस चौबीस घोड़े होते थे उसमें फिर ये लोग रेस लगाते थे इसलिए पता आज भी कास में जो इंजन होती है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं पता है आ, जितने घोड़े पहले ज़माने में लगाते थे अगर उतने ही पावर का इंजन आज भी हम काज में लगाते हैं तो उसको हा हॉर्स पावर बोलते हैं उसमें इतना हॉर्स पावर है ओके और मैं तो ये बोलती हूँ कि राजाओं के ये जो रथ थे चैरियट्स जो थे ये एक तरह से बी थी राजाओं की है ना तो ये लोग उससे अपना रेस लगाते थे और बड़े आनंदित होते थे मज़ा आता था उनको क्योंकि उस ज़माने में टीवी नहीं थी मोबाइल नहीं था गेम नहीं था इंटरनेट नहीं था रेसलिंग यानी कुश्ती लड़ना ये सारी पॉपुलर एक्टिविटीज पॉपुलर मतलब फेमस एक्टिविटीज़ थी ओल्डन टाइम्स में इसीलिए इनको ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ बोलते हैं ओके सो मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर स्टिल फॉलोड इन मॉडर्न टाइम्स एक्सेप्ट द हंटिंग आज भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनमें से फॉलो करते हैं एक हंटिंग अभी बैन हो गया है क्योंकि जानवरों को मारना लॉफुली गलत है मनी पॉपुलर लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ टुडे आर वॉचिंग टी वी टेलीविज़न सिनेमा वीडियो गेम्स वर्ल्ड वर्किंग आउट इन जिम नाशियम एंड बैडमिंटन टेनिस पोलो एक्सेट्रा लेकिन अब कुछ चेंजेस आ गए हैं समय के साथ कुछ मॉडर्न लोगों ने मॉडर्न तरीके के एक्टिविटीज़ फॉलो किए हैं स्पेशली लोग आजकल टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं सिनेमा जाना बहुत पसंद करते हैं वीडियो गेम्स तो सबसे ज़्यादा चल रहा है बच्चों के बीच में एंड कुछ लोगों को ये सब से अलावा जिम जाना बहुत पसंद है जिम नहीं जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता जिम जाना है उनको शौक़ है हेल्थ के प्रति बहुत कॉशियस होते हैं कुछ लोग जो टाइम टू टाइम सारा काम और वो उनका शौक होता है बैडमिंटन खेलना टेनिस क्रिकेट पोलो जो आजकल देखिए आप लोग कितने क्रिकेट आपको गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे देखेंगे क्योंकि वो खेल के प्रति उनका इंटरेस्ट है तो इस तरह से वो रिफ्रेश होते हैं बच्चों को जैसे ही छुट्टी मिलती है वो सबसे पहले गेम्स खेलते हैं ना इसी तरह के कुछ गेम्स में हम सबसे पहले गेम आता है बोर्ड गेम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव entertain many generations of indians some board games like satranj and chopper have बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड माथोलॉजी दे वे स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री अलॉन्ग विथ मेनी न्यू बोर्ड गेम्स लाइक चेस लूडो स्क्रैबल एंड पिक पिक्चनरी बेटा डिफरेंट बोर्ड गेम्स थे बोर्ड गेम्स यानी कि बोर्ड पर बनाया हुआ कुछ गेम होता है जो जनरेसन टू जनरेसन पास हुआ है जनरेशन मतलब हमारे बाप दादों के अलावा फिर हम पे आया फिर हम उनसे आया फिर उनसे आया फिर हमारे हम पास आया तो इसलिए जो जनरेशन टू जेनरेशन गेम्स जो आए हैं आज तक वो है सतरंज एंड चौपर सतरंज बेटा जैसे सत चेस टाइप का होता था एंड चॉपर भी उसी से कुछ रिलेटेड होता था आपको इंडियन माइथोलॉजी में इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे राजाओं को ये गेम खेलते आपने देखा होगा एंड माइथोलॉजी मतलब भगवानों के जैसे कथाएं होती हैं उनमें भी आपको आपको याद है सकुनी मामा ने चॉपर का गेम खेल कर को हराया और उनको बारह बरस का वनवास और अज्ञातवास एक वर्ष का देकर उनको जंगल भेज दिया सो so, इस तरह से आ, भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं जिसमें बहुत बार गेम्स खेलते हुए आपको स्टोरीज़ मिलेंगी तो ये उस वक्त से चले आ रहे हैं और ये कोई नया गेम नहीं है कोई नहीं है आज भी हमारे कंट्री में आपको कैसे बोर्ड गेम्स जैसे चेस है लूडो है स्क्रैबल है पिक्शनरी है ये पिक्शनरी मतलब पिक्चर से रिलेटेड गेम्स होते हैं स्क्रैबल यानी कि वर्ड्स रिलेटेड गेम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है ये देखिए बच्चे लूडो खेल रहे हैं लूडो इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम और बहुत ईजिली आप घर पर भी बना सकते हैं चेक्स चेक्स बना कर कलर कर कर और कलर बटन से आप बना सकते हैं उसके अलावा कुछ लोकल गेम्स होते हैं जैसे अदू हुली आटा द टाइगर एंड द गोड्स गेम गेम ऑफ कर्नाटका हैज़ टू डेवलप स्ट्रैटी एंड टीम वर्क वन प्लेयर कंट्रोल्स थ्री टाइगर्स वैल द अदर कंट्रोल्स द फ्लॉक ऑफ फिफ्टीन गोड्स यहाँ पे जो गेम होता है इस गेम में क्या होता है कि जब बच्चे जब गेम खेलने बैठते हैं तो उनको टाइगर रहते हैं तीन तीन टाइगर्स से और अपना तीन टाइगर के साथ गेम जो फिफ्टीन गोड्स होते हैं वो उन पर अटैक करते हैं और टाइगर्स को अटैक करना है और गोड्स को अपने आप को बचाना है तो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटर्जी मतलब स्ट्रैटर्जी दिमाग लगाना है टीम वर्क होता है कैसे मिल के खेलना है तो ये भी सीखने मिलता है बहुत uh, मतलब आसान गेम नहीं है क्योंकि फिफ्टीन गोड्स से टाइगर को बचाना बहुत मुश्किल होता है वो भी तीन तीन टाइगर्स और आपको पता है टाइगर्स को क्या पसंद है uh, गोड्स uh, एक और गोल है अल्लू गुल्ली माने या पलंग गुली इन तमिलनाडु इट इम्प्रूवज़ द स्किल्स ऑफ मेंटल कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस कर सकते हैं कैलकुलेशन करके गेम खेलना और कितना कैलकुलेटर कितना आपका मेंटल पावर उस वक्त दिमाग में चलता है उससे ये गेम्स से आपको कंसंट्रेशन भी पड़ता है तो मेरे से कोई पूछे कि बोर्ड गेम्स से क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो सबसे पहले गेम स्टमुलेट्स द माइंड स्ट्यूमुलेट्स मतलब एक्टिव बना देता है एक्टिव यानी कि जैसे आप गेम खेलते रहते हो तो आप बोलते रहते हो तो बीच बीच में रुक जा अब मेरा छः आने दे फिर बताता हूँ रुक जा अभी देखना मैं ऐसी चाल चलूँगा तो तेरे तो म, आ, मैं तेरे को पूरा साफ कर दूंगा तेरी गोटी तो होम होने ही नहीं दूंगा इस टाइप की जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो या एक्टिव आपका दिमाग होता है क्योंकि आप दिमाग लगा रहे होते हो इसीलिए ये पहला पॉइंट है कि इट्स ट्यूमलेट्स द माइंड यानी कि दिमाग की बत्ती जला देता है सेकेंड पॉइंट है बेटा स्टीच द पेशेंस बहुत पेशेंटली आप उस पर काम करते हो आपको उस वक्त सबको आप, आपको पता है कि मेरी बारी आएगी अब मेरा छः नंबर आएगा आप हर बार गोटी खेलते हो तो बोलते ये देखो छः और अब देखना छः आएगा अब देखना एक आएगा देखना अब मैं घर में चले जाऊँगा तो ये पेशेंस होती है जिसकी वजह से आप गेम में टिके रहते हो उसके बाद आता है कंसनट्रेशन क्योंकि आपको उस वक्त सपो पूरा ध्यान गेम पे लगाना रहता है उस वक्त मम्मी आवाज़ दे रही होती है तो बोलते रुक जाओ मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ मेरे को गेम खेल रहा है मेरा गेम चल रहा है बस मैं अभी रूम होने वाला है रुको मम्मी मैं हार रहा हूँ तो आप वहीं पर कंसनट्रेट कर रहे हो आप कहीं आस आपका ध्यान नहीं जाता है तो ये आपका थर्ड पॉइंट है कंसन्ट्रेशन फोर्थ पॉइंट है वो इनएक्सपेंसिव है इनएक्सपेंसिव मतलब कि बहुत सस्ते होते हैं आप घर पर भी बना सकते हैं इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है ओके आप घर पे भी बोर्ड गेम्स बनाकर अपना गेम खेल सकते हो अगर आप घर पे नहीं बनाए तो इजीली अवेलेबल इन द मार्केट बहुत आराम से आपको सस्ते में इजीली गेम अवेलेबल है आजकल तो मोबाइल पे भी अवेलेबल है पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मोबाइल के बजाय आप बोर्ड गेम्स घर पर खेलें क्योंकि बोर्ड गेम्स घर पर खेलना ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन प्लेइंग इन द मोबाइल बिकॉज मोबाइल में आँखें खराब होती हैं और आँखें सूख जाती हैं पानी सूख रहा होता है तो इट्स नॉट गुड फॉर प्लेइंग इन द मोबाइल बेट्रदर शुड प्ले बोर्ड गेम्स एट होम इट ब्रिंग्स द फैमिली टुगेदर ऑल्सो इन ओल्डन टाइम्स अब आगे बढ़ते बोटरेस बोटरेज बहुत होती थी बेटा इन ओल्डन टाइम्स में सो इन ओल्डन टाइम्स मैन हैथ To be skillful boatmen to cross over the water bodies. He was also an expert, uh, expert fisherman. He used cannon or, or raft and later sailboats. Even they today boats are common mode of transport and people, uh, uh, for people and goods, they are. used for fishing as well as pleasure in recent time motorized boat and and faster uh, ships have made water transport very popular water rafting sailing and water polo are popular event sports game देखिए जो बोट रेस है ये एक सेकंड टाइप का है जिसमें इसमें भी बहुत स्किलफुल बोटमैन स्किलफुल मतलब जिसको चलाना आता है बोट उसमें जिसमें हुनर है जिसको टेक्निक मालूम है वो बहुत अच्छा फिशरमैन बन के अपनी रोज़ी रोटी कमा के खा सकता है और ये पुराने जमाने से चले आ रहा है बेटा ये देखिए सबसे पहले ये देखिए कैनन है इस तरह से नावों को बनाया जाता था लोग इससे ये राफ्ट है यानी कि लकड़ियों को आपने देखा होगा आ, वो डिस्कवरी चैनल में बैरवेल्स ऐसे बहुत बार बैरगल्स ऐसा बहुत बार करके नदी पार करता है और इस तरह के बोट्स से जो है वो हम लोग पहले ज़माने में रेसिंग करते थे फिशिंग करते थे या बाहर आनंद नदी में घूमने का आनंद लेते थे तो इस सबसे भी ये एक तरह सा फिशिंग करना या बोट राइडिंग करना भी एक बहुत अच्छा फ्री टाइम लेज़र टाइम एक्टिविटी है और आजकल मोटर बोट्स आ गए हैं जो फास्टर होती हैं या इधर उधर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं तो वो भी आ गए हैं इस सब के अलावा आप आपको वाटर स्पोर्ट्स भी हैं जैसे रिवर राफ्टिंग सेलिंग एंड वाटर पोलो ये बहुत पॉपुलर गेम्स हो गए हैं जो आजकल पानी में खेले जाते हैं ये देखिए ये शिप्स हैं बहुत सुंदर सुंदर शिप्स हैं जिसके कारण भी आपको ऐसे बहुत सुंदर सुंदर खेलने टाइम पास या लग्जरियस टाइम पास करने के ये देखिए बोट रेस केरल का बोट रेस बहुत अच्छा है जिसमें स्किल की स्किल दिखाता है और एक अम्यूज़मेंट है लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और लीजर टाइम एक्टिविटी भी है नेक्स्ट आता है मार्शल आर्ट बेटा मार्शल आर्ट में क्या होता है कि योगा जो है एक मार्शल मतलब हुनर होता है जो बहुत स्ट्रेंथ और एलिगिटी के साथ आता है तो वो उसके बारे में पढ़ते हैं यानी कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आ, अपने मसल्स का इसलिए इसका नाम है मार्शल आर्ट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एलिगिटी यानी कि कुक एलिगिटी मीन्स क्विक मोमेंट जिसमें फुर्तीपन हो फुर्ती फुर्तीली फुर्तीपन के कारण ये गेम्स में बहुत जरूरी होते हैं आर नेसेसरी फॉर द एंशंट मैन इन हंटिंग क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्राम डेंजर हिज थ्रिल एट द Winning over an uh, opponent was the beginning of martial art as a sport. तो मार्शल ओपोनेंट मीन्स बेटा कि हमारे प्रतिद्वंदी मतलब मैं एक टीम में हूँ तो मेरे सामने जो टीम से मैं अगर युद्ध लड़ रही हूँ तलवार से तो मेरा सामने वाला ओपोनेंट कहलाता है तो जब भी मार्शल आर्ट जिसके पास ताकत है फिज़िकल स्ट्रेंथ है जिसके पास फुर्तीलापन है वही मार्शल आर्ट सीखने में बहुत अच्छे होते हैं मार्शल आर्ट ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहा है इसमें डेंजर भी है लेकिन इसे प्रोटेक्शन भी है आप प्रोटेक्शन से सीख सकते हो सो एक्चुअली इसका डेफिनेशन ये है मार्शल आर्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैक्ट फाइट और सेल्फ डिफेंस इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ स्किल एंड कोऑर्डिनेशन इन तीनों चीज़ों के बिना आप मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए स्किल होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तभी आप मार्शल आर्ट के हीरो कहला सकते हो ओके okay, और ये सेल्फ डिफेंस यानी कि खुद की रक्षा के लिए सबसे अच्छे हैं बिना लड़ाई झगड़े के आई I मीन mean बिना तलवार बिना खून के भी डिफरेंट मार्शल आर्ट्स है पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स जैसे इंडिया में रेसलिंग कुश्ती सबसे बड़ा इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट जो कि आज बहुत फेमस है उसी तरह जापान के जूडो कराटे टाइकुंडो एंड कंगफू आर पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया इन सब के इन सब के अलावा लोग ये सब भी ये देखिए जूडो कराटे भी सीखते हैं जो कि बहुत फेमस है अच्छा कुछ मैंने आपको बताया कुछ पॉपुलर इन मार्शल स्पोर्ट्स हैं जो कि लोकल हैं और फिर फे, वर्ल्ड फेमस हैं जैसे ये है थैंक थैंगो थांग, तो चाइन ये है मार्शल आर्ट्स ऑफ वहाँ का है किसका मणिपुर का और ये मार्शल आर्ट बहुत फेमस है ये ग्रेस है मूवमेंट है सॉर्ड है स्पियर है इन सब से चलाना सिखाता है दूसरा है कलरी पट्टू कलरी पट्टू ये ओल्डेस्ट फाइटिंग स्किल है केरला का जो कि आज भी स्ट्रिक स्ट्राइक्स एंड वेपन से लोग यूज़ करते हैं इसमें बहुत स्ट्रेंथ की यूज़ होता है इसलिए ये बहुत फेमस है और लोग इसको बड़े आज भी पुराना सिस्टम है लेकिन आज भी लोग बहुत सीखते हैं और बहुत फेमस भी है इवन फॉरेन से भी पता है आपको सीखने आते हैं बेटा अभी के लिए इतना ही नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का चीज़ सिखाऊंगी थैंक यू टेक केयर